क्या आपने एक ऐसी फैमिली के बारे में सुना है जिस फैमिली में 61 साल के पिता ने अपनी 39 साल की बेटी से ही शादी कर ली और शादी के बाद इनकी एक 9 महीने की बच्ची भी है। और एक फैमिली तो ऐसी है जिस फैमिली में पिछली 4 पीढ़ियों से सभी एक ही बीमारी के साथ जन्म ले रहे हैं। और गाइस इंडिया की इस फैमिली के बारे में जानने के बाद तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस फैमिली को रेड और व्हाइट कलर से इतना प्यार है कि उनके घर में फर्नीचर से लेकर उनके कपड़े और जहां तक कि उनकी कमोड का कलर भी रेड और व्हाइट ही है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की 10 ऐसी फैमिलीज के बारे में बताऊंगा जिन फैमिलीज के बारे में सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, 10 अनयूजुअल फैमिलीज यू वॉन्ट बिलीव एग्जिस्ट, जिसमें नंबर 10 पर है इंसेस्ट फैमिली। गाइज ये फैमिली दुनिया की एक ऐसी फैमिली है जिसके बारे में सुनने के बाद आप शायद थोड़ा ऑकवर्ड फील करेंगे, क्योंकि इस फैमिली में 61 साल के पिता जॉन डेब्स ने अपनी 39 साल की बेटी जेनी से ही शादी कर ली। अब ये रिश्ता आपके लिए थोड़ा अजीब सा हो सकता है, लेकिन शायद इनके लिए नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इस कपल ने दुनिया को अपने बारे में तब बताया जब इनकी एक 9 महीने की बच्ची थी। तब इन्होंने एक न्यूज चैनल पर जाकर अपने बारे में सारी बातें बताई। जॉन ने 40 साल पहले जेनी की माँ से शादी की थी और शादी के एक साल बाद जॉन चोरी के केस में 30 साल के लिए जेल चला गया। उस समय इसकी बेटी की एज 1 साल भी नहीं थी, जिसके बाद जब 30 साल के बाद जॉन जेल से छूट कर आया तो वो सबसे पहले जाकर जेनी से मिला। और एक हफ्ते तक ये दोनों साथ रहने के बाद फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, जिसके बाद जॉन और जेनी दोनों आपस में ही शादी भी कर लेते हैं। जेनी की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जेनी पहले से ही शादीशुदा थी और इसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी ये अपने पिता जॉन से मिलने के बाद उससे भी शादी कर लेती है। और जेनी की ये सिर्फ 9 महीने की ही बेटी नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी ये एक और बच्चे को जन्म दे चुकी थी। उस बच्चे के जन्म के समय ही उसके हार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी तुरंत ही डेथ हो जाती है। इन्होंने जब अपनी रिलेशनशिप के बारे में मीडिया में बताया तो ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट में इनके ऊपर केस दर्ज किया गया और वहां से इन्हें एक दूसरे के साथ रहने के लिए सख्त मना कर दिया गया और इन्हें 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें इन्हें अलग अलग जेल में रखा गया जिससे कि इन पर निगरानी रखी जा सके। नंबर 9 पर है रेड एंड व्हाइट फैमिली। गाइस इंडिया के बेंगलुरु में रहने वाली ये फैमिली दुनिया की सबसे यूनिक फैमिली है। इस फैमिली को रेड और व्हाइट कलर से इतना प्यार है कि इनके घर में सारा इंटीरियर रेड और व्हाइट कलर का ही है। इसके अलावा इनके घर का फर्नीचर, बर्तन, किचन और जहां तक कि इनकी कमोड का कलर भी रेड और व्हाइट है। अब आप इस बात से अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि इन्हें रेड और व्हाइट कलर से कितना प्यार है। इस फैमिली के जो मुख्य सदस्य हैं उनका नाम है सेविन राज, और इन्हें सिर्फ रेड और व्हाइट कलर से ही इतना प्यार नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा इन्हें 7 नंबर से प्यार है। इसीलिए इनके गाड़ी का नंबर भी 7777 है और इनके मोबाइल नंबर के भी एंड के 4 डिजिट 7777 ही है। और नॉर्मली जो सभी लोग कोट पहनते हैं उस कोट में 2 या 3 बटन होते हैं, लेकिन इनके कोट में 7 बटन होते हैं। और बचपन में इनका नाम सिर्फ राज था, जिसे इन्होंने बदल कर सेविन राज कर लिया। इन्हें 7 नंबर से इतना प्यार इसलिए है क्योंकि ये अपने घर के 7वें बेटे थे। इनका खुद का रियल एस्टेट का बिजनेस है और जहाँ पर इनका ऑफिस है उस ऑफिस में भी इन्होंने रेड और व्हाइट कलर ही कराया है। नंबर 8 पर है टॉलेस्ट कपल। गाइज आपने बहुत सारे कपल्स को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे टॉलेस्ट कपल को देखा है? चाइना में रहने वाला ये कपल दुनिया का सबसे लंबा जोड़ा है, जिसमें इस लड़के का नाम सन मिंग मिंग है और इसकी हाइट 7 फुट 9 इंच है और इनकी पत्नी जू यान की हाइट 6 फीट 1.74 इंच है। इनकी पत्नी की हाइट ही इतनी ज्यादा है कि एक नॉर्मल इंसान भी जब इनके सामने खड़ा हो जाए तो वो भी इनके आगे छोटा लगे। बाकी का इनके हस्बैंड सन मिंग मिंग को तो छोड़ ही दो, उनकी हाइट तो 7 फीट से भी ज्यादा है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने लंबे होंगे। ये दोनों ही चाइना के बीजिंग में रहते हैं, जिसमें सन मिंग मिंग की एज 33 इयर्स है जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है और जू यांग की एज 29 इयर्स है, ये एक हैंडबॉल प्लेयर है। ये दोनों बीजिंग में मिले और बीजिंग में ही इन दोनों ने अपनी शादी भी कर ली। इनकी शादी होने के बाद 2016 में इनके नाम दुनिया के सबसे लंबे कपल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। नंबर 7 पर है जोनो लेक्स्टर फैमिली। गाइस जोनो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि ट्रेचर कॉलिंस सिंड्रोम नाम की एक बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी की वजह से इनका फेस नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग दिखाई देता है और इनकी फैमिली में भी सभी का फेस ऐसा ही है। ट्रेचर कॉलिंस सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो कि 5 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को होती है। इस बीमारी की वजह से हेड की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे खोपड़ी, गाल और जबड़े की हड्डियां सही से डेवलप नहीं हो पाती।
होती हैं। सही से डेवलप ना हो पाने की वजह से जिस इंसान को भी ये बीमारी होती है उसका फेस नॉर्मल लोगों से बहुत अलग दिखाई देता है। इसीलिए इनके फैमिली में सभी को यही बीमारी होने की वजह से सभी का फेस एक जैसा दिखाई देता है। नंबर 6 पर है अ फैमिली मेड फ्रॉम ग्लास। गाइस ये एक ऐसी फैमिली है जिसे आप कांच से बनी हुई फैमिली भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस फैमिली में 200 से भी ज्यादा हड्डियां टूट चुकी हैं। एक्चुअल में ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक कंडीशन होती है जिसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी की वजह से हड्डियां बिल्कुल भी मजबूत नहीं हो पाती हैं। अगर आपका हाथ या उंगली जरा से भी मुड़ जाती है तो उसकी हड्डी तुरंत ही टूट जाती है। इस फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, क्रिस, एनिस, लिसा। ये तीनों ही फैमिली मेंबर एक साथ एक घर में ही रहते हैं। ये तीनों ही चल नहीं सकते इसीलिए ये व्हील चेयर का यूज करते हैं। लिसा अपने घर में व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही अपना खाना बनाती है। इन्होंने किचन में खाना बनाने के लिए अपने किचन के ऊपर साइड में 2 मिरर भी लगाए हैं जिससे कि इन्हें उबलता हुआ पानी देखने के लिए खड़ा ना होना पड़े और सीधा ये शीशे में ही देख सके कि पानी उबल चुका है, जिससे इन्हें ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती है और ये अपना काम भी कर लेती हैं। इस फैमिली में इनकी ये बेटी इनकी सगी बेटी नहीं है बल्कि इन्होंने इसे गोद लिया है, क्योंकि इस बच्चे के माता पिता ने इसे अपनाने से मना कर दिया, जिसके बाद क्रिस और लिसा ने इसे गोद ले लिया। और गोद लेने के बाद ये इसे सिखाते हैं कि इसे कैसे रहना है, किन चीजों से बचना है और किन चीजों में खुद का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। और लिसा का कहना था कि वो हमेशा से माँ बनना चाहती थी। इस बेटी के साथ इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। नंबर 5 पर है पॉलियमोरस फैमिली। गाइस ये फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसमें जॉय डार्गर ने 3 बीवियों से शादी की, एलिना डार्गर, विकी डार्गर और वैलेरी डार्गर। ये तीनों ही जॉय की पत्नियां हैं और इन तीनों बीवियों से इनके 25 बच्चे हैं। इनकी ये फैमिली इतनी बड़ी है जिनकी फैमिली में जाकर देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये सभी लोग यहाँ पर किराए पर रह रहे हों, लेकिन ये पूरी की पूरी सिर्फ एक फैमिली है। इन तीनों पत्नियों में से एलिना और विकी ने अपनी 20 साल की उम्र में ही जॉय से शादी की थी और फिर 10 साल के बाद जॉय ने वैलेरी से शादी की। जॉय की इन तीनों पत्नियों में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि विक्की और वैलेरी दोनों ही जुड़वा बहनें हैं और एलिना भी इनकी कजिन सिस्टर है। मतलब कि जॉय ने तीनों सगी बहनों से ही शादी कर ली। इनके 25 बच्चे होने के बाद ये कोई नॉर्मल फैमिली तो नहीं है, इसीलिए इन्हें सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट में इनके खिलाफ बहुत सारे केस भी किए गए जिससे यूएस में होने वाली बहुविवाह प्रथा को रोका जा सके। नंबर 4 पर है बॉर्न विदाउट आर्म्स। गाइस ये फैमिली भी बहुत ही यूनिक फैमिली है जिस फैमिली में माँ और बेटे के जन्म से ही आर्म्स नहीं है। इस बच्चे की माँ का नाम है लिंडा बेनन और इस बच्चे का नाम टिम्मी है। ये दोनों साथ में ही रहते हैं और अपने हाथ ना होने के बाद भी ये दोनों अपने सारे काम नॉर्मली कर लेते हैं। ये दोनों ही अपने पैरों से खाना खाते हैं और लिंडा अपने पैरों से ही खाने को बनाती है। इसके अलावा ये पानी में भी तैर सकते हैं। लिंडा का कहना है कि वो अपने बच्चे को वो सब कुछ सिखाना चाहती हैं जिसे सीखने में इन्हें सालों लग गए। लिंडा ने 2004 में अपनी शादी रिचर्ड से की और शादी के बाद जब ये प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने इनका अल्ट्रासाउंड करने के बाद बताया कि इनके बच्चे के भी हाथ नहीं है, जिसके बाद डॉक्टर ने इन्हें राय दी कि वो अपना अबॉर्शन करा सकती हैं, लेकिन लिंडा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वो अपने बच्चे को दुनिया में ऐसा भी लाने के लिए तैयार थी। टिमी स्कूल भी जाता है और वो अपनी पढ़ाई भी करता है और ये फैमिली एक साथ खुश भी रहती है। नंबर 3 पर है ब्लड सकिंग फैमिली। गाइस इसे खून चूसने वाला कपल भी बोल सकते हैं और इसे वैम्पायर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। ये कपल एक ऐसा कपल है जो कि शादी करने के बाद एक वैम्पायर की तरह रहना चाहता है, इसीलिए इन्होंने अपने दांतों को डेंटल एक्रिलिक से ऐसे कराए हैं। ये कपल एक साथ रहता है और इन्होंने कई सारे टीवी शो और मूवीज में भी काम किया है। नंबर 2 पर है पिवाल्ड फैमिली। गाइस ब्राजील में रहने वाली ये फैमिली पिछली 4 पीढ़ियों से एक ही बीमारी से पीड़ित है जिसे पिवाल्डिज्म के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में बॉडी पर सफेद धब्बे होते हैं और ज्यादातर ये माथे, शरीर और खोपड़ी पर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी में नॉर्मल व्यक्ति का फेस भी बहुत अलग दिखाई देने लगता है। लेकिन शायद सेम्यूल ने इस बात का फायदा उठाया। इनके बच्चे को जब ये बीमारी हुई तो जैसे लोग इन्हें बचपन में इनके फेस को लेकर इन्हें चढ़ाते थे, इन्होंने अपने बच्चे के साथ वैसा नहीं होने दिया बल्कि इन्होंने अपने बच्चे को मॉडलिंग सिखाई और मॉडलिंग के करियर में सिर्फ इनका बच्चा ही नहीं बल्कि ये पूरी फैमिली बहुत आगे जा चुकी है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है 6 फिंगर्स एंड 6 टोज फैमिली। गाइस ये पूरी की पूरी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली से तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस फैमिली के हाथों में कोई 5 उंगलियां नहीं है बल्कि सभी के हाथों में 6-6 उंगलियां हैं और इनके हाथों को तो छोड़ो बल्कि इनके पैरों में भी 6-6 उंगलियां हैं। मतलब कि इनके हाथों में 12 उंगलियां हैं और इनके पैरों में भी 12 उंगलियां हैं। और ऐसा नहीं है कि इस फैमिली में सिर्फ 1-2 मेंबर के ही 6 उंगलियां हो, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली के हाथों में 6-6 उंगलियां ही हैं। ये एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन के कारण होता है जो कि आपके जीन्स में ही एंटर कर जाती है। एक एक्स्ट्रा उंगली होने के साथ इन्हें अपनी लाइफ में कोई
ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती है, बल्कि ये अपने नॉर्मल काम कर सकते हैं। लेकिन शायद इनमें से बच्चों को फुटबॉल खेलते समय एक प्रॉब्लम होती है। इसकी 6 उंगलियां होने की वजह से जब ये लड़का ग्लव्स पहनता है तो दुनिया का कोई भी ग्लव्स 6 उंगलियों का तो होता नहीं है। इसे अपने लिए 6 उंगलियों वाला ग्लव्स अलग से बनाना पड़ता है, जिसमें ये किसी एक्स्ट्रा ग्लव की उंगली काटकर उस ग्लव में लगा लेता है। इसके अलावा ये गिटार भी बजा सकते हैं और ये फैमिली साथ में खुश रहती है। वैसे गाइस, आपको इन सभी फैमिलीज में से सबसे बेस्ट फैमिली कौन सी लगी? और गाइस, आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया है। तो अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट नहीं किया है तो भाई अभी कर लो, जिससे कि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।